Good morning, dear student of standard 9th of Godmother English School. Today we start science subject chapter 6, tissue, and we have already completed two part of it, and due to COVID-19 we have to started online studies on YouTube. And today we start the next point, which was complex permanent tissue. Let's read the para first. The different type of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cell which look like each other, and such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex tissue, and complex tissue are made up of more than one type of cell, and all these cells coordinate to perform a common function, and xylems and phloems are examples of such complex tissue. तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप के टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से हम अगर बात करें, अगर एक टिश्यू में एक ही तरह के अगर एक ही टाइप के अगर सेल्स पाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, तो एक से ज़्यादा टाइप के जो है सेल उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और मगर दोनों काम जो है अलग अलग तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, उसके दो एग्जाम्पल है, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, और दोनों ही जो है कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है, और उसके अंदर एक वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, यानी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जाइलम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो देख लो, जाइलम के अंदर होता है ट्रैकेट्स, वेसिल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। और इसके सेल के जो वॉल होते हैं वो बॉडी बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो है मरे हुए होते हैं। और ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर शेप, और ट्रैकेट और वेसल की अगर बात करें तो उसका शेप कैसा है, तो ट्यूब की तरह। और ये ज़्यादातर क्या काम करता है, तो वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाटर और मिनरल को, वो भी वर्टिकली, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा है जाइलम का, जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या करता है, तो फूड को स्टोर करता है, ठीक है, और इसके अलावा वाटर को कंडक्शन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी पैरेन्काइमा यूज़ करता है। और अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर जो है वो सब काम करने में जाइलम की मदद करता है, यानी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोलम की, तो पोलम चार टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, पहला है सी ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है पोलम फाइबर, चौथा है पोलम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें से सीव ट्यूब का शेप कैसा है, तो ट्यूब जैसा है, ठीक है, यानी इसलिए इसको ट्यूबुलर सेल भी कहा जाता है, जिसमें एक वॉल होता है, ठीक है। और पोलम की अगर बात करें तो पोलम और जाइलम में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, ठीक है। पोलम जो है वो मटेरियल्स मूव करता है, मगर दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जाइलम जैसा था, मटेरियल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में भेजता था, उसी तरह से पोलम जो है वो दोनों डायरेक्शन में भेज सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ठीक है। और पोलम की अगर बात करें तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से, और लीव से फिर दूसरे पार्ट्स में भेज देता है, ठीक है। अगर हम बात करें जितने भी मतलब पोलम के पार्ट हैं, ठीक है, एलिमेंट्स है, और उसमें खाली पोलम फाइबर ऐसा एलिमेंट है जो लिविंग है, ठीक है, बाकी सब जो है, सॉरी, पोलम फाइबर के अलावा बाकी सब जो है वो लिविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया, फोलम और जाइलम किस तरह का दिखता है, और इसमें ट्रैकेट कैसा है, वेसल कैसा होता है, इसके अलावा जाइलम फाइबर्स कैसा होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा दिया हुआ है, और इसके अलावा नीचे दिया है फोलम के सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सीव ब्लेड्स दिखाया गया है, सीव ट्यूब दिखाया गया, फोलम पैरेन्काइमा दिखाया गया, और कंपेनियन सेल दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो है टाइप है, जिसमें जाइलम और पोलम दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एनिमल टिश्यू की अगर बात करें, तो जितने भी चीज़ें, देखो, हम कभी भी अगर ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको हमारे चेस्ट में जो मूवमेंट होती है उसको हमको पता चलता है, और ये चीज़ हमको कैसे पता चल रही है, तो मसल सेल्स की वजह से, ठीक है। और मसल सेल्स ही जो है हमको मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, ठीक है। और दिस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्शन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, और यहाँ पे हम स्टोमक देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है एक छोटा सा पार्ट है जिसे स्मूथ मसल फाइबर्स कहा जाता है, और स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मसल फाइबर्स कहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरह से। और ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो देखो, जब हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं, उस समय पे क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को जो है अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है फिर कहाँ जाता है, तो लंग्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद कुछ जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, और बाकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और ब्लड जो है, ब्लड के सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करते हैं, ठीक है। व्हाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, तो देखो, सेल को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने सुना था कि जितने भी सेल्स हैं वो क्या लिविंग्स हैं, और इसको जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ऑक्सीजन लेना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से।
तो देखो ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है अलग अलग सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाता है, ठीक है। और जिसमें वो ऑक्सीजन और खाना दोनों ही चीज़ जो है सेल्स तक पहुंचाता है, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको कहाँ ले जाता है, तो लीवर और किडनी में ले जाता है, जिसके वजह से वो डिस्पोजल हो पाता है, ठीक है ना। जो बॉडी का वेस्ट होता है वो डिस्पोजल कहाँ होता है, तो लीवर और किडनी में। तो देखो वो टिश्यू में जो है ब्लड और मसल दोनों ही आते हैं, ठीक है, जो दोनों ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शंस दे परफॉर्म विद कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड सच एज एप्थिकल टिश्यू। अब देखो कुछ टिश्यू के टाइप की हम बात करें जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे एप्थियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। जिसमें से ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल की अगर बात करें तो वो मस्कुलर टिश्यू में आता है, ठीक है। तो एप्थियल टिश्यू की अगर बात करें तो वो क्या है, तो एनिमल टिश्यू का जो ऊपर वाला कोटिंग होता है उसे क्या बोला जाता है, तो एप्थियल टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि वो एप्थियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू ही हमको मदद करते हैं जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स और बॉडी पार्ट्स जो है वो एकदम सेपरेट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल, लंग्स, किडनी ट्यूबल्स, ये सब जो है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। और ये पूरी तरह से इसके सेल जो है एक दूसरे से पैक है और एक साथ कंटिन्यूस शीट में बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक सिमेंट्री मेटल जो है इन दोनों के बीच में पाया जाता है, जो स्पेस होता है उसके बीच में, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इसके बीच में बिल्कुल एकदम स्पेस नहीं होता है, उसके बीच में भी क्या पाया जाता है, तो कुछ मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली एनी थिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट, और अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और एग्जिस्ट होती है वो किस पर डिपेंड होती है, तो एपिथेलियल टिश्यू पर डिपेंड होती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल द एपिथेलियम इज यूजली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाई द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रियस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स एंड डिफरेंट एपिथेलिया सो डिफरेंटिंग स्ट्रक्चर दैट को रिलेटेड विद देयर यूनिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एवेन्यू वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होकर थ्रू है सिलेक्टिवली पेरिमिनल सर्फेस देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ होती है वो कहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, जैसे वेसिलर लंग एवेन्यू की अगर बात करें तो उसमें जो है एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जो एकदम फ्लैट होती है, उसे क्या बोला जाता है, तो सिंपल एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। यानी जो है एक्यूमस जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो पतली सी एकदम लेयर है उसे एक्यूमस कहा जाता है, जो क्यूबॉइड शेप की उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहा जाता है, फिर उसके बाद कॉलमनर शेप का आता है और लास्ट में आता है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो ये क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप है। तो यहाँ पे टोटल जो है फोर टाइप है, जिसमें से आता है क्यूमस, दूसरा आता है क्यूबॉइडल, तीसरा आता है कॉलमनर और चौथा आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूमस, ठीक है। तो देखो स्क्वेमस का अगर सेल की अगर बात करें तो उसकी लेयर जो होती है एकदम पतली होती है और एकदम फ्लैट होती है, ठीक है, जो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो ओसोपेगस जो हमारे गले के पास होता है और दूसरा जो है माउथ में, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे पाई जाती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप, और जो स्किन हमारे बॉडी में हुई है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी किससे बनी हुई है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है, ठीक है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर्स एंड टीयर्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो जब ये फ्लैट जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अगर बहुत सारी लेयर के साथ एक साथ अरेंज हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। जिसमें यही क्यूएमएस वाले जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के जो है स्ट्रेटिफाइड बन जाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उस जगह पर ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉलमनर टिश्यू की अगर बात करें तो जो है पिलर जैसे लगते हैं, ठीक है, थीके? और एपिथेलियल फैसिलिटेटेड मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज आर ऑल्सो हैज सीलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो देखो यहाँ पे एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो उसमें जो है एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी बाल की तरह कुछ देखने को मिलता है, जिसे सीलिया कहा जाता है, ठीक है। और ये सीलिया जो है ना वो हिल सकती है और मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। और ऐसे एपिथेलियम को क्या बोला जाता है, तो कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसका शेप होता है क्यूब की तरह, वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के ट्यूबलस में पाया जाता है और स्लेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें जो क्या करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है एपिथेलियल टिश्यू को। और कभी कभी क्या होता है कि इसके जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कभी कभी अंदर साइड फोल्ड हो जाते हैं और कभी कभी जो है बाहर साइड ही रहते हैं, ठीक है।
और इसका इसके अंदर जो है मल्टी सेलुलर जो है ग्लैंड भी पाया जाता है, जिसके वजह से इसको का क्या कहा जाता है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और एक क्लू इज प्रोडक्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। द सेल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस। तो देखें यहाँ पे क्या होता है, जब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा इंटर सेलुलर स्पेस हमको देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जो है ये किस तरह का देखने को मिलता है, तो देखो जेली फॉर्म में, ठीक है, या तो लिक्विड फॉर्म में, या तो बहुत ही गहरा होता है यानी पतला होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसमें हमको देखने को मिलता है, यानी गाढ़ा हम देख सकते हैं, ये सब चीज़ें होता है कनेक्टिव टिश्यू में। और ये चीज़ अगर हमको देखना है तो हम माइक्रोस्कोप में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो है एक लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड के टू टाइप है जिसको हम बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल और दूसरा है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज़ होती है अंदर, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड जो है ना फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, यानी बहता है, और साथ साथ में कुछ जो है एक कुछ चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे गैसेस, फूड, हॉर्मोन्स या फिर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जिस जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचता है, किसकी मदद से, तो ब्लड की मदद से। ठीक है, और अगर हम दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें आता है बोन। ठीक है, तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक भी अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो कोई भी प्रॉपरली वर्क कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखो जो बोन सेल है वो किससे बने हुए होते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। ठीक है, दोनों के कंपाउंड से ये बना होता है, और दोनों बोन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और बीच में जो चीज़ होती है उसे क्या बोला जाता है, लिगामेंट। ठीक है, यानी दो बोन जो जिससे जिस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं, उसे लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है इस टिश्यू में जो है इलास्टिसिटी हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोन के अंदर जो मसल्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो टेंडन्स कहा जाता है। ठीक है, और टेंडन्स जो है एक फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी हमको देखने को मिल जाता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। ठीक है, और जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है, और ये चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो बोन के सर्फेस के अंदर। ठीक है, जॉइंट के अंदर जो काटी पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, यानी दो जॉइंट होते हैं ना उसके बीच में जो हड्डी होती है ना उसे कार्टिलेज कहा जाता है। अब देखो एरोलर टिश्यू, ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो देखो स्किन, मसल्स, ये सब जगह पे पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल में, नर्व में, या फिर बोन मैरो में, ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है उसके अंदर जो है हमको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू डैमेज होता है ना वो जल्दी जो है रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। और इसके अलावा एक और टिश्यू जो स्किन में पाया जाता है जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस टिश्यू, जो क्या करता है, तो जो फैट होता है ना हमारी बॉडी का उसको जो है स्टोर करता है। ठीक है, द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोबुल्स, और यानी ये इसके सेल क्या होता है, ये किससे भरे हुए होते हैं, तो फैट ग्लोबुल्स से भरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये स्टोरेज ऑफ फैट क्या करता है, तो एक तरह का जो है इंसुलेटर का काम करता है। अब आता है मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू में जो बहुत सारे सेल से जुड़े हुए होते हैं उसे क्या बोला जाता है, मसल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, और यही टिश्यू जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोटोडाइल प्रोटीन कहा जाता है, जिसके वजह से हम रिलैक्स कर सकते हैं और कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर बात करें तो देखो जितने भी मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस मसल पे हमको पूरा कंट्रोल होता है और हमें पता चलता है उस सब चीज़ें का क्या है, ऐसे मसल्स को क्या बोला जाता है, तो वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, यानी जिस मसल पे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं और खुद मूवमेंट कर सकते हैं उसे वॉलेंट्री मसल्स कहा जा सकता है, जैसे हमारे हाथ, ठीक है, जैसे हमारे पैर, ये सब जो है किस में आता है, तो वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मगर जो अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो उस मसल्स को क्या बोला जाता है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है।
अब आता है नर्व टिश्यू. ऑल द सेल पॉसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टेमिलिटी. हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बींग स्टिम्युलेट. अब देखो जितने भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है, तो नर्व से होता है, ठीक है. और इसके लिए कौन मदद करता है, तो नर्व टिश्यू. तो देखो सब नर्व्स जो है हमारे बॉडी में सब जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो बोन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हो, सब जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है, नर्व टिश्यू हमको देखने को मिलता है, ठीक है. और इसके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, या तो नर्व सेल या तो न्यूरॉन कहा जाता है. और न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो न्यूक्लियस होता है और काइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है. और इसके अलावा भी एक चीज़ और होती है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है. और यूजली इच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट. तो देखो हर न्यूरॉन का जो है एक लंबा सा पार्ट होता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है. और जो बाकी सब जो है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एक ब्रांचेस जैसे लगते हैं, जिसे हम डेंड्रिट्स कहते हैं, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू में ही गिने जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं हम, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्सॉन जो है कहाँ पे है, एक ट्यूब की तरह लंबा स्ट्रक्चर है. और इसके अलावा जो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है. और जो ब्रांचेस जैसा लग रहा है वो क्या है, डेंड्रिट्स है, जो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है. तो ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है. थैंक यू.